मैं तो शिवराज सिंह चौहान जी से ये चाहता हूँ कि घोषणा ना करे, अगर वो किसान का बेटा है तो अमल करके बताए और आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खाते में मुआवजे की राशि 40,000 रुपए एकड़ खातों में स्थानांतरित करे। काम 5 से 6 दिन के अंदर तलबड़िया फाटे पे मेन रोड जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं उस पर चक्का जाम करेंगे, उसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। हमने उनको आगाह करने आज आए थे, आज तो हम यहाँ हजारों की संख्या में आए, उस दिन हम यहाँ 20-25 हजार लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि शासन को उसी समय घोषित करना पड़ेगा जब भी लोग उठेंगे, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। लोग मध्य प्रदेश के किसान ऊपर वाले का मारे बरसात नहीं हो रही है और बिजली विभाग बिजली नहीं दे रहा है और शिवराज मामा एक कंस मामा द्वापर में थे, उन्होंने 7 बच्चों की हत्या करी थी, कृष्ण ने अवतार लिया उसका मर्डर कर दिया। तो शिवराज मामा अभी भी 2 महीना बाकी है आपके पास, ये पूरे मध्य प्रदेश के किसान किसानों की बात नहीं सुनी। आप बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान को बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? किसान की सोयाबीन की हालत खराब हो रही है, पूरा किसान बर्बाद हो गया है, तो उसका बीमा करते हैं तो बीमा राशि भी नहीं देते। बीमा कंपनी में क्या आपका क्या परसेंट है? 50% की सरकार मेरे को लग रहा है, मेरा अनुभव ये बता रहा है, मेरी 68 साल की उम्र है। शिवराज मामा को मैं बोलना चाहता हूँ कि मामा आज भी जो भी हो किसान के हित में बात करो, ये लाडली बहनों को रेवड़ी बांटने से काम नहीं चलेगा कि बहनों तो बेचारी घर में खाना बनाती है, भैया को बाजार में जाना पड़ता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है कि 1,000 रुपये का चॉकलेट दे दिया और 1,500 रुपये बिल थमा दिया जी आज को, तो 500 क्या चोरी करेगा? इसका जवाब मैं मांग रहा हूँ मामा तुम्हारे से। अरे तो जोमलाबाजी छोड़ मामा, अब समय आ गया है, अब जनता मध्य प्रदेश की सोए नहीं रहेगी, सही बात है। वो आपका बिल्कुल विदाई समारोह करने को तैयार है। कि सूखा ग्रस्त खंडवा जिले को घोषित किया जाए, खंडवा तहसील के सारे किसान आज आए हैं और किसानों की मांग बिना सर्वे, आप काहे का सर्वे, अब पानी भी आता है तो फसल बचेगी नहीं। हमारी मांगे हैं, महत्वपूर्ण मांगे जो है वो ये है कि खंडवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। नंबर एक, हमने जो बिंदु दिए हैं, हमने 7 बिंदु दिए, उसमें हमारा पहला बिंदु है कि किसानों के खेत का बिना किसी अधिकारी कर्मचारी के भेजे, बिना सर्वे के इसको सूखा घोषित करें और 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा राहत राशि दे और किसानों के खाते में उसको जमा करें। नंबर दो, 24 घंटे बिजली सतत, जब तक पानी नहीं गिरता जब तक किसानों को दे, और जो अभी शेड्यूल चेंज करा इन्होंने दिन का बिजली का, रात का बिजली का, उसको दिन में करें जिससे किसानों को सांप डेंडू बिच्छुओं से बचे। कई सांप बिच्छुओं के चपेट में किसान भाई आ चुके हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल ठंडी फसल में सांप लोग बैठे हुए हैं। तीसरी मांग हमारी है किसानों का कर्जा ऐसी स्थिति को देखते हुए माफ़ किया जाए, बच्चे जो हमारे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं किसानों के स्कूल कॉलेजों में उनकी फीसें माफ़ की जाए, मजदूरों को काम दिया जाए एवं सबसे बड़ी समस्या हमारी जो हमारा बीमा है, जो हमारा हक है, जो हमारे से काटा गया है, वो तुरंत किसानों के खाते में जमा किया जाए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होता है तो किसान 5 से 6 दिन के अंदर तलबड़िया फाटे पे मेन रोड जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं उस पर चक्का जाम करेंगे, उसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। हमने उनको आगाह करने आज आए थे। जैसा कि पत्रकार महोदय ने आंकड़े की बात करी है तो किसान के लिए क्या आंकड़ा होगा साहब? आज जो फसलों की स्थिति है, मुख्यालय से कोई पटवारी कोई तहसीलदार किसानों के खेतों तक आज दिनांक तक नहीं पहुंचा, इससे बुरी हालत क्या होगी? ऐसे हम क्या आंकड़ा बताएंगे? मैं तो शिवराज सिंह चौहान जी से ये चाहता हूँ कि घोषणा ना करे, अगर वो किसान का बेटा है तो अमल करके बताए और आचार संहिता लगने से पहले किसानों के खाते में मुआवजे की राशि 40,000 रुपये एकड़ खातों में स्थानांतरित करे, घोषणा ना करे। नहीं तो ये किसान है, जिस दिन नौजवान बन गया तो पूरी सरकार की आफत होने वाली है।